क्या आपने भी कभी हंसी मजाक में अपने भाई बहन या दोस्तों को उल्लू कहा है? क्या आप भी उल्लू को बेवकूफ समझते हैं? अगर हाँ, तो आज हम आपको बताएंगे कि आप कितना गलत हैं। तो चलिए जानते हैं उल्लू के बारे में कुछ ऐसी खास बातें जिसे सुनने के बाद आप किसी को उल्लू कहना छोड़ देंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उल्लू एक बहुत ही चालाक पक्षी है। उल्लू इकलौता ऐसा पक्षी है जो नीले रंग को देख सकता है। उल्लू सबसे पहले अपने ताकतवर बच्चे को खाना खिलाता है और फिर बाद में अपने कमजोर बच्चे को। उल्लू ही एकमात्र पक्षी है जो अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक घुमा सकता है। इसका मतलब अगर आप इसके पीछे भी खड़े हो तो ये आपको बिना सिर हिलाए सिर्फ गर्दन हिलाकर देख सकता है। उल्लू दिन की बजाय रात को जागता है। रात के घने अंधेरे में उल्लू अपने शिकार को उसकी आवाज से पहचानते हैं। उल्लू कई तरीके से अपना शिकार करते हैं। कुछ उल्लू की प्रजातियां सबसे पहले अपने शिकार पर मंडराती हैं और उनको पकड़ लेती हैं, और कुछ प्रजातियां शिकार पर तुरंत हमला बोल देती हैं। और अगर एक बार उल्लू अपने शिकार को पकड़ लेता है तो या तो वे उसे तुरंत खा जाता है, और अगर तुरंत नहीं खाता तो वे उसे अपने घोंसले में सहेज कर रख लेता है और भूख लगने पर खाता है। उल्लू लगभग 30 साल जीते हैं। ये चूहे, सांप, गिलहरी, मछली से लेकर दूसरे उल्लुओं तक को खा जाते हैं। इनके दांत नहीं होते तो ये अपने खाने को चबाते नहीं बल्कि सीधे निगल जाते हैं। उल्लू किसी भी वस्तु का 3D इमेज देखने में सक्षम है। इसका मतलब ये हुआ कि उल्लू किसी भी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों देख सकता है। धरती का सबसे छोटा उल्लू सिर्फ 31 ग्राम का है। ELF नाम का यह उल्लू सिर्फ 5 इंच लंबा है। धरती का सबसे बड़ा उल्लू ग्रेट हॉर्न्ड है, जिसका वजन लगभग 2.5 किलो है और पंख 5 फीट लंबे हैं। इंसानों से 10 गुना धीमी आवाज भी सुन सकते हैं उल्लू, और आवाज को सुनने के लिए अपने कान को किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं। उल्लू की आंखें हिलती नहीं हैं, वो एक जगह फिक्स रहती हैं, और इसकी आंखें इसके दिमाग जितनी बड़ी होती हैं। उल्लू उड़ते समय बिल्कुल भी आवाज नहीं करता, क्योंकि इसका ऊपरी हिस्सा एक मुलायम खाल से बना होता है जो आवाज को अंदर सोख लेता है, और इसके पंख हवा को अपने अंदर से गुजरने देते हैं। तो जब हवा टकराएगी ही नहीं तो आवाज कैसी होगी? तो ये तो थे कुछ खास बातें उल्लू के बारे में। तो अब आप सोचिए कि आपको अपने दोस्तों को उल्लू कहना है या नहीं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।